वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिंक सॉस पास्ता की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, इसमें पानी जो है उबलने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पास्ता। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी टाइप के पास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पास्ता को अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। आप इसको बॉईल करके एक बार खाकर ज़रूर चेक कर लें कि पास्ता जो है अच्छे से पक गया है या नहीं पका है। आपको पास्ता बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है। आप इसको 90% तक पका लें, बाकी 10% ये जो है सॉस में जाके पक जाता है। तो देखिए पानी में अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। उबाल आते हुए इसको 5 मिनट हो चुके हैं, पास्ता जो है पक गया है। हम इसको छानकर एक छलनी में रख लेंगे। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है जिसमें हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स को सौते करेंगे जो हमें पास्ता में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, ये 3 जो है वेजिटेबल्स लिए हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग वेजिटेबल की क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इनको हल्का सा सौते कर लेंगे, इससे इसका टेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। इसको बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है, इनका क्रंच जो है ऐसे ही रहना चाहिए। तो मैंने कढ़ाई ली है, इसमें डाला था थोड़ा सा घी, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच। यहाँ पर मैंने डाला है मैदा। तो मैदा को हम अच्छी तरीके से यहाँ पर पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो है, इसको आप लो फ्लेम पर ही पकाएं तो आपकी जो वाइट सॉस है वो काफ़ी टेस्टी और अच्छी बनकर तैयार होगी। स्लो गैस पर 5 मिनट ही लगते हैं वाइट सॉस को बनने में। तो देखिए यहाँ पे मैंने इंस्टेंट रेड सॉस बनाई है। तो यहाँ पे मैंने रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और टमाटो केचप, इन सबको आपस में मिक्स कर लिया है। तो हमारी इंस्टेंट रेड सॉस बनकर तैयार है। रेड सॉस और वाइट सॉस दोनों को मिलाकर हम बनाएंगे पिंक सॉस पास्ता। तो देखिए यहाँ पे ये जो मैदा है अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें धीरे धीरे कर दूध डालेंगे। तो यहाँ पे हम जो है रूम टेम्परेचर पर रखे हुए दूध का ही इस्तेमाल करेंगे। दूध ना तो ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म, नहीं तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे। हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएँगे। गैस का फ्लेम अभी भी जो है मीडियम ही है। तो देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बने और हमारी जो सॉस है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने डाला है थोड़े से चिली फ्लेक्स, ओरिगिनो और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा मैंने डाला है यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो हमारी वाइट सॉस बनकर एकदम तैयार है। अगर आपको वाइट सॉस पास्ता बनाना है तो इस टाइम पर आप इसमें पास्ता डाल सकते हैं, पर हम बना रहे हैं पिंक सॉस पास्ता। तो हम यहाँ पर इसमें रेड सॉस ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक दोनों सॉसेस आपस में अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाएं। तो देखिए दोनों सॉसेस आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। इसको पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता। तो यहाँ पे हमने पास्ता ऐड कर दिया है इसमें, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। तो देखिए इनका क्रंच एकदम बरकरार है जैसा हमें चाहिए। अब हम इसको आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे पास्ता, वेजिटेबल और सॉस को। तो देखिए आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा अच्छा और पास्ता बनकर हमारा तैयार हुआ है। आप इसको कंटिन्यू चलाते रहें और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने दें। इसको 1 से 1.5 मिनट हो चुका है पकते हुए, और देखिए कितना अच्छा हमारा पिंक सॉस पास्ता बनकर तैयार हुआ है। मेरे तो मुंह में एकदम पानी आ रहा है इसको देखकर ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपने ये पास्ता बनाया या नहीं।